हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एएन सिंह, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जो है जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, या गठिया से परेशान हैं, शोल्डर पेन से परेशान हैं, या ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, घुटने के दर्द से परेशान हैं, साटिका की शिकायत है, या आपको लो बैक पेन होता है? अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत है, सियाटिक पेन में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो चलिए आज मैं आप लोग को एक बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताने वाला हूँ। इसको जानने से पहले, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि उसके जोड़ों में दर्द होता है, जिसको गाठिया कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या ज्वाइंट पेन कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, तो उनके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन दवा लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, जिसका नाम है वाताहारी वटी। यह है दोस्तों YTM कंपनी की दवा है, यह बहुत बेहतरीन दवा है। यह 100% आयुर्वेदिक है और इसको खाने से एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर किसी को गठिया की शिकायत है, यानी जोड़ों के दर्द में शिकायत है कि चलने में दिक्कत होती है, एंकल्स में दिक्कत होती है, या घुटने में सूजन हो जाती है, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में असहनीय दर्द होता है, तो ऐसे में जो है वाताहारी वटी आप मंगाइए, इसको चलाइए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर किसी को सियाटिका का दर्द है, यानी पीछे जो होता है भाग, कमर से नीचे का नस फटती है और नीचे तक फटती है, जिसको सियाटिका लोग कहते हैं, सियाटिक पेन होता है, एक सियाटिक नाम का नर्व्स होता है जो कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। बहुत सारे लोग एक्सरे कराए होंगे या सीटी स्कैन कराए होंगे, तो उनको देखते हैं कि लंबर जो होता है L4-5, इसमें किसी का जो है बल्गिंग डिस्क होता है, या तो कहीं से नस दबते रहती है, या हड्डियां बिल्कुल सट गई हैं, तो इस प्रकार की अगर शिकायत होती है तो नसों में बहुत असहनीय दर्द होता है, तो ऐसे में भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपके जो लो स्पाइनल जो दर्द होता है, कमर के पीछे दर्द होता है, उसमें अच्छा काम करता है, और सियाटिक नर्व में जो दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सियाटिका की शिकायत है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी का शोल्डर पेन करता है कंधे का, या तो इस तरह से आप देखते हैं तो फ्रीज हो जाता है, यानी कि कंधा उठाने में दिक्कत हो जाता है, तो इसको अगर इस प्रकार की दिक्कत है किसी को तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कमर में दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, कहीं भी जोड़ में दर्द होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये YTM कंपनी का बहुत बेहतरीन है, आप इसको चलाइए। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसको बहुत सारे पेशेंटों को चलाता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है आर्थराइटिस में, ज्वाइंट पेन में। और इसके साथ आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कि यह YTM कंपनी का जो बोन हेल्थ है, आप लोग इसी स्क्रीन पे देखिए, यह साथ में चलाना होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तब भी जो है जोड़ों में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो ऐसे में आप जो है YTM कंपनी का बोन हेल्थ और वाताहारी वटी दोनों चलाइए, क्योंकि साथ में चलाते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है इसको चलाने से। अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत है या सियाटिका की दर्द है, तो उसमें आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, न्यूरोशक्ति माल्ट आता है, या तो न्यूरोशक्ति सिरप आता है, तो इसको साथ में चलाइए, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि नसों में ताकत देता है, बी कॉम्प्लेक्स की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको जो है जरूर चलाइए साथ में। अगर सियाटिक पेन है, सियाटिका की दर्द है, तो आप तीनों को चलाइए, YTM कंपनी का जो वाताहारी वटी है इसको चलाइए, और जो बोन हेल्थ है साथ में इसको चलाइए, और जो न्यूरोशक्ति सिरप है या आपको माल्ट मिलता है तो माल्ट चलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सूजन को भी ख़त्म कर देता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो यूरिसीड टैबलेट आता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है जब हम खाना खाते हैं और हमारा भोजन नहीं पचता है सही से, तो हमारा पेट में जो है सड़ने लगता है भोजन, जिसमें से एक जहर निकलता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं, वह जहर हमारे ब्लड के माध्यम से जा करके हमारे जोड़ों में बैठ जाता है, और जो है जोड़ जोड़ में स्वेलिंग होने लगती है। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर, स्वेलिंग हो जाती है और हर जगह जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो साथ में अगर किसी को इस तरह यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो साथ में यूरिसीड टैबलेट चलाइए। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ खाने का तरीका। तो
अगर किसी को जो है साटिका हुआ है तो वह वाताहरी वटी जो ले ले इसको तोड़ करके किसी चीज़ में रख करके तोड़ लीजिए और इसको चबा करके गुनगुना पानी से लेना है, ठंडे पानी से नहीं। एक गिलास पूरा बड़ी गिलास से एक गिलास गुनगुना पानी से इसको खाइए सुबह में खाना खाने के आधे घंटे बाद, शाम को भी आधा घंटा खाना खाने के बाद इसको सुबह शाम तोड़कर चबा करके एक गिलास गुनगुना पानी से लेना है। और साथ में आपको जो है एक जो है बोन हेल्थ का टैबलेट इसको लेना है। अगर दूध आपके पास अवेलेबल है तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो इसके साथ में एक यूरी सीड टैबलेट साथ में लीजिए। और जो है कि किसी को नस की शिकायत है तो यानी साटिका की शिकायत, तो आप जो है न्यूरोशक्ति सिरप को ले लीजिए या तो माल्ट को ले लीजिए। खाना खाने के बाद न्यूरोशक्ति सिरप लेते हैं तो इसको 10-10 ml सुबह शाम लीजिए, और माल्ट अगर लेते हैं तो इसको एक एक चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। ये मैंने आप लोगों को ज्वाइंट पेन में आप सिर्फ जो है वाताहरी वटी बोन हेल्थ और यूरिक एसिड चलाएंगे। अगर किसी को साटिका की शिकायत है तो वाताहरी वटी बोन हेल्थ और न्यूरोशक्ति माल्ट या सिरप चलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार की शिकायत होती है तो आप जो है इसको चलाइए, शिकायत बहुत सारे लोगों की दूर हो गई है, आपकी भी दूर हो जाएगी। अगर इस दवा से नहीं आपका सही होता है तो आप किसी अच्छे जो है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि मतलब हर एक दवा सभी को नहीं सूट करती है, इसलिए मैं बता देता हूँ मैक्सिमम लोग को इससे रिलीफ हो जाता है। अगर आपको आराम नहीं होता है तो आप ज़रूर किसी आर्थोपेडिक डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए, कंसल्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घुटने का जो कार्टिलेज होता है बिल्कुल घिस गया रहता है। तो ऐसे में एक ग्लूकोजामाइन का टैबलेट आता है, आपको अगर अवेलेबल होगा तो आप ग्लूकोजामाइन चला सकते हैं जो आपका कार्टिलेज का फिर से निर्माण करता है। तो बहुत से लोग का कार्टिलेज घिस जाता है तो बिल्कुल हड्डियाँ जो दोनों होती हैं चिपक जाती हैं, और चलने में जब रगड़ करती हैं तो बहुत तेज़ हीट होने लगता है, इसकी वजह से जो है जलन होती है और आसानी पेन होने लगता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दवा नहीं काम करेगी, अगर दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है, अन्यथा अगर आप बंद करते हैं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है घुटने का। आपको अगर इस तरह शिकायत है तो आप जो है ग्लूकोजामाइन का टैबलेट साथ में चलाइए अगर अवेलेबल है तो, या किसी आयुर्वेदिक दवा से ले लीजिए या कहीं से, तो आपका जो कार्टिलेज फिर से बनने लगता है इन दवाओं के साथ जो है ग्लूकोजामाइन ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से मैक्सिमम लोग का आराम हो जाता है। मैंने आप लोग को बता दिया, किसी को आर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है, नी पेन है यानी घुटने का दर्द है, एंकल पेन है या स्वेलिंग है, या शोल्डर पेन है, लो बैक पेन है, या साटिका की शिकायत है, तो उसमें ये सारी दवाएं बहुत अच्छी काम करती है। किसी को इस प्रकार की ज़रूरत है तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8299391146 8299391146 दूसरा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9170120291 9170120291। दोस्तों ये दोनों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। किसी को दवा मंगानी अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे यहाँ से कॉल करके आप खुद मंगा सकते हैं, मैं यहाँ से आपको जो है डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।